ये तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट में बेसिकली हम लोग करते क्या है, ये अपर्टस है पूरा प्लेट लोड टेस्ट का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मतलब जहां भी हमें फाउंडेशन बनानी होती है वहां डिग कर, ठीक है, और किस डेप्थ तक डिग करते हैं, जिस डेप्थ तक जाना होता है। ठीक, और जो विड्थ ऑफ प्लेट होती है, इसमें क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, उस प्लेट की जितनी विड्थ होती है उसका अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स डिग करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम कर लिए। इसके बाद क्या करते हैं, इस पे लोडिंग करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग पे, डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग पे क्या निकालते हैं, सेटलमेंट। ठीक है, लोडिंग और सेटलमेंट दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, और इनकी हेल्प से लोड सेटलमेंट कर्व ड्रॉ करते हैं, और जिससे हम बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो ये हम यूज करते हैं, डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी। कौन सा टेस्ट हुआ है, फील्ड टेस्ट। ठीक है, फील्ड टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, जब देखो इसमें करते क्या है, मतलब ये एक तरीका हो गया, मतलब बेसिक बेसिक जनरल आइडिया मिल गया। अब इसके स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, जैसे कि इसमें दो तरह की प्लेट यूज कर सकते हैं, या तो सर्कुलर या स्क्वायर। ठीक है, जो जो सर्कुलर या स्क्वायर होती है वो या तो 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर इन साइज होती है। ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइज है। अब जो स्मॉलर साइज प्लेट है वो डेंस और स्टिफ सॉइल के लिए सुटेबल होती है, और जो लार्ज साइज है वो लूज और सॉफ्ट सॉइल के लिए सुटेबल होती है। ठीक है, अब इसको फील्ड पे रख दिया, प्लेट को, प्लेट को जाके सबसे पहले डिग किया, उसके बाद वहां रख दिया, रखने के बाद उसके ऊपर लोडिंग की। इसमें क्या करते हैं, इनिशियली इनिशियली 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की लोडिंग करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सीटिंग लोडिंग। ठीक है, सीटिंग लोड बेसिकली केवल सेटअप करने के लिए करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। ठीक है, फिर 20% के इंक्रीमेंट पे लोड लगाते रहते हैं। कब तक लगाते हैं, जब तक कि जो उसका फाइनल सेटलमेंट होता है, फाइनल सेटलमेंट उसका 70-80% अचीव ना हो जाए। ठीक है, जब तक उसका 70-80% अचीव ना हो जाए तब तक। अब जैसे सैंड है और क्ले है, इन दोनों में से किस में जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा, विच वन ऑफ दीज विल सेटल अर्लियर। सैंड वाई, सैंड विल सेटल अर्लियर बिकॉज द वॉइड्स प्रेजेंट इन सैंड विल डिसिपिएट आउट अर्लियर।
वोल्टाइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इजीली उनको रिमूव होने में आसानी होती है। इन केस ऑफ क्ले दे कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड आउट, ठीक है, इनको टाइम लगता है। तो इन केस ऑफ क्ले इट टेक टाइम, वाइल इन केस ऑफ सैंड इट अकर्स वेरी अर्ली, मतलब बहुत जल्दी अकर हो जाता है। तो इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्ले को टाइम चाहिए होता है, ठीक है। ये इन्होंने स्क्वायर प्लेट ली है, स्क्वायर प्लेट का दिखाया है। ये लोड सेटलमेंट कर्व डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए, जैसी जैसी सॉइल होगी वैसे वैसे उसकी आएगी। अब बेसिकली हमें एडवांटेज क्या है इस चीज का, हमें दो चीज निकल के आएंगे। देखो एक कोरिलेशन समझो, देखो एक हुई सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन एस एफ, एक हुई सेटलमेंट ऑफ प्लेट, ठीक है, एक हुई बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन और एक हुई बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट, ठीक है। दो तरह की सोयल है, कैसी, कोहेसिव एंड कोहेजन लेस। तो सबसे पहले कोहेसिव सॉइल के लिए जो बियरिंग कैपेसिटी होती है किसकी, फाउंडेशन की, वो इज इक्वल टू होती है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट, ठीक है। बट इन केस ऑफ कोहेजन लॉय सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इंटू बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इंटू विड्थ ऑफ प्लेट, सॉरी विड्थ ऑफ फाउंडेशन टू विड्थ ऑफ प्लेट, ठीक है। ये दोनों सेम हो गई, ये क्यू से रिप्रेजेंट करना चाहिए था ताकि डिफरेंशिएट हो। क्यू ऑफ फाउंडेशन, क्यू ऑफ प्लेट, ठीक है। अच्छा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सैंड एक चीज बताई थी कोहेसिव सॉइल के लिए, कि कोहेसिव सॉइल की जब क्यू यू कैलकुलेट करते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और क्यू एन यू करते हैं नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो एक रिलेशन निकल के आया था जिससे हमें कुछ पता चला था, बता था वो। इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल वही सेम रिलेशन यहाँ डिपिक्ट हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करो वो भी समझ में आ जाएगा। देखो जो कोहेसिव सॉइल होती है विड्थ और डेप्थ भी, जो कोहेसिव सॉइल होती है, ठीक है, कोहेसिव सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, ऑफ विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है। वो रिलेशन तुम यहाँ भी देख रहे हो, कोहेसिव लेयर सॉइल में ये विड्थ पे डिपेंड कर रहा है लेकिन कोहेसिव सॉइल में ये विड्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या, बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। फिर सेटलमेंट के लिए रिलेशन होता है, ये याद रखने, इस पे न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये दोनों हो गए, अब आ जाओ सेटलमेंट पे। तो जो कोहेसिव सॉइल होती है उसका तो इजी होता है, एस ऑफ फाउंडेशन, एस ऑफ फाउंडेशन मीन सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू सेटलमेंट ऑफ प्लेट इंटू विड्थ ऑफ फाउंडेशन टू विड्थ ऑफ प्लेट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि क्या कहां से ले रहे हैं, जैसे मान के चलो फाउंडेशन थी 20 मीटर, मान लो 20 मीटर बहुत हो गई, इतनी होती नहीं है, 20 मीटर विड्थ फाउंडेशन की थी, एक जैसे एग्जांपल है, और विड्थ ऑफ प्लेट थी जैसे हमने मान के चलो ले ली 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर मैक्सिमम साइज वाली प्लेट अज्यूम कर ली, ठीक है। अब इस प्लेट की मदद से, इस प्लेट की हेल्प से
हम क्या निकाल लेंगे, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। ठीक है, ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कौन सा, प्लेट लोड टेस्ट। और प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमने बियरिंग कैपेसिटी निकाल ली प्लेट की, मान के चलो वो निकल के आई 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ यदि कोहेसिव सॉइल होगी, पहले कोहेसिव सॉइल होगी तो बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी? बियरिंग कैपेसिटी किसकी निकालेंगे? ऑफ फाउंडेशन। प्लेट की हमें पता है, फाउंडेशन की हमें बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है, तो बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी फाउंडेशन की? 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि विड्थ पे इंडिपेंडेंट होती है इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल। दूसरा, यदि कोहेजन लेस सॉइल की निकाले तो क्यू यू ऑफ फाउंडेशन क्या निकल के आएगी? 20 इंटू विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज 20 और 75, 70 को क्या लिख सकते हैं? 0.75। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो सॉल्व हो के आएगी वही हो जाएगी बियरिंग कैपेसिटी। अब मान के चलो सेटलमेंट पूछा होता, तो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू सेटलमेंट ऑफ प्लेट इनटू क्या हो जाएगा? बी एफ बाई बी पी। ठीक है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन टू विड्थ ऑफ प्लेट, हमेशा याद रखना कभी भी निकालो तो ये जो है ना सेटलमेंट और बियरिंग कैपेसिटी दोनों ही फाउंडेशन की ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू प्लेट। जो प्लेट की वजह से जो सेटलमेंट और बियरिंग कैपेसिटी आई है वो कम होगी। एक ये रिलेशन और याद रखने देना सैंडी सॉइल के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, SF इक्वल टू SP, BF BP प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई BP, BF प्लस 0.3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें टोटल कुल मिला के चार फॉर्मूले आ गए, क्यू यू के दो किस किस के लिए, कोहेजन कोहेजनलेस के लिए, SF के दो किस किस के लिए, कोहेजन कोहेजनलेस के लिए। अब देखो इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है, जैसे टेस्ट प्लेट होती है उसका साइज स्मॉलर होता है, ठीक है, लेकिन जो फाउंडेशन होती है वो लार्जर इन साइज होती है, तो इससे क्या होता है, इसका जो प्रेशर है वो बहुत कम होगा और प्रेशर वर्क ज्यादा होगा, मतलब कि नीचे जो सॉयल है उस पे जो इफेक्ट डालेगी वो फाउंडेशन ज्यादा डालेगी एज कम्पेयर टू दिस प्लेट। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है इसका। ठीक है, दूसरा, ये शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है, ऐसा तो नहीं है इसको हर दिन हम परफॉर्म करते रहेंगे, भाई एक दिन ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलो 4-5 घंटे की रीडिंग ले लोगे, ये भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये जो है हमें ज्यादा से ज्यादा इमीडिएट सेटलमेंट तक पहुंचा देगा, और थोड़ा बहुत हुआ तो कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी सेटलमेंट। ठीक है, ये मैंने बताए थे प्राइमरी इमीडिएट, सबसे पहले कौन सा होता है? इमीडिएट, फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी सेटलमेंट। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो जाएगा उसके बीच में। ठीक है, तो दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट नहीं मिलेगी हमें कभी भी। ठीक है, पहला ये है, दूसरे ये है। ठीक है, अनदर लिमिटेशन ऑफ दिस टेस्ट इज द इफेक्ट ऑफ द साइज ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, अब जो साइज ऑफ फाउंडेशन है उसका भी इफेक्ट आएगा अल्टीमेट बियरिंग, मतलब कि कोहेसिव में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोहेसिव जो है वो इंडिपेंडेंट है साइज पे, लेकिन कोहेजन लेस जो सॉइल होती है वो साइड पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब प्लेट लोड टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं तो उससे मतलब जो वॉटविल का इफेक्ट है वो भी हम काउंटर नहीं कर पाते हैं, मतलब कि कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जब भी हम प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मान के चलो जिस डेप्थ तक हमें जाना है हम उस डेप्थ गए और उसमें वॉटर निकला, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पंप आउट कर देते हैं। ठीक है, पंप आउट कर देंगे तो बेसिकली एक्चुअल इफेक्ट ऑफ वाटर कंटेंट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो भी हम नहीं निकाल पाते हैं इस टेस्ट की वजह से। अब देखो नेक्स्ट चीज, अभी तक हमने जो रिलेशन पढ़े थे, मतलब टर्जागी ही इम्पोर्टेंट है, जगह जगह देखोगे तो टर्जागी के वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, वो रिलेशन देखे थे विदाउट कंसिडरिंग द वॉटर टेबल, मतलब वॉटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं था हमारे उसमें। देखो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ वाटर टेबल आ रही है, अब वाटर टेबल के आने से क्या होगा,
जो अभी तक हम गामा यूज कर रहे थे वो रिप्लेस हो जाएगा भाई गामा डैश। ठीक है, अब देखो हमने फॉर्म यूज किया, मान के चलो जो वाटर टेबल है वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गई डी डब्ल्यू, ये ए मान लिया है, और ये टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, और इसके नीचे भी जा रही होगी वो बाद में कंसिडर करेंगे। अभी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वाटर टेबल देखते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो क्यू यू निकालेंगे, वो क्या होगी, एन सी प्लस डी डब्ल्यू गामा, इसकी यूनिट वेट गामा, और इसका जो यूनिट वेट होगा वो हो जाएगा गामा डैश। ठीक है, गामा डैश मतलब गामा समवर्स। ठीक है, डी डब्ल्यू गामा प्लस ए गामा डैश इंटू एन क्यू प्लस 0.5 एन गामा बी गामा डैश। ठीक बस इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा। अब यदि ए इक्वल टू जीरो है, ठीक है, दैट इज ग्राउंड वाटर कहाँ है, इज एट द बेस ऑफ फुटिंग। ठीक है, मतलब कि अभी तो यहां था, अब है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा ये डीएफ है पूरा, डीएफ इंटू गामा हो जाएगा। वही किया है इसमें, ये एनसी सेम रहेगा, पहली टर्म हमेशा सेम रहेगी, दूसरी और तीसरी टर्म पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी टर्म पे इफेक्ट कब पड़ेगा, जब यहाँ कोई चेंज आएगा, यहाँ कहाँ तक, यहाँ तक है ना, और तीसरी टर्म पे इफेक्ट पड़ेगा जब यहाँ कोई चेंज आएगा, और वो किस डेप्थ तक लेते हैं, अप टू डेप्थ बी। बी क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, इसकी जो फाउंडेशन की विड्थ है वो, ठीक है, इस विड्थ तक चेंज आएगा। ठीक है, अब यदि यहाँ प्रेजेंट है वाटर टेबल, तो यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, सी एन सी प्लस गामा डी गामा एन क्यू प्लस 0.5 गामा डैश। गामा डैश किसके लिए है, उसके नीचे। ठीक है, अब लास्ट केस देखो, व्हेन वाटर टेबल इज लोकेटेड एट अ डेप्थ डी फ्रॉम द बेस, मतलब कि अब ये डी डेप्थ पे है, कहां से, बेस से। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, मान के चलो इसका गामा गामा है और यहाँ गामा डैश है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी इंटू गामा, बेसिकली यहाँ क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एवरेज वैल्यू निकालते हैं ऑफ गामा। तो वो कैसे निकलती है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया मान के चलो हमने गामा बार से, वो क्या होगी, डी इंटू गामा डैश प्लस डी माइनस डी टू, सॉरी, डी इंटू गामा प्लस बी माइनस डी इंटू गामा डैश अपॉन बी। ये चीज समझ में आई कि गामा एवरेज कैसे निकल रहा है, तो गामा एवरेज वैल्यू निकालेंगे, गामा एवरेज की वैल्यू निकाल के कौन सी टर्म में रखेंगे, केवल लास्ट टर्म में, पहली दो टर्म सेम रहेंगी, तीसरी टर्म चेंज हो जाएगी केवल। ठीक है, तो सी एन सी गामा एन क्यू एन गामा, ठीक है, प्लस 0.5। अब ये जो है, इन्होंने जो भी फॉर्मूला यूज किया है, बेसिकली एवरेज ही निकाला है, एवरेज निकालना, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, गामा बार एन गामा। ठीक है, गामा बार कैसे निकलेगा वो मैंने बता दिया, गामा बार कैसे निकला है, मान के चलो डेप्थ यहां तक है, ये डी है, इसके नीचे ये कहां तक जाता है, अप टू बी माइनस डी हो जाएगा ये, वैसे टोटल डेप्थ कहां तक जाता है, अप टू डेप्थ बी। ठीक है, उसके नीचे इफेक्ट कंसीडर नहीं करते, उसके नीचे भी यदि वाटर टेबल प्रेजेंट है तो हम ये मान के चलते कि जो फाउंडेशन का इफेक्ट है वो कंसीडर नहीं होगा आफ्टर अ डेप्थ ऑफ बी, आफ्टर डेप्थ ऑफ बी फ्रॉम बेस ऑफ फाउंडेशन, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, वाटर टेबल का इफेक्ट नेगलेक्ट कर देते हैं इस डेप्थ के बाद। फिर क्यू यू की वैल्यू निकाल ली, सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 गामा बार है वही एन गामा। ठीक है, और यदि डेप्थ वेट के बराबर हो जाएगी तो उसके नीचे कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिंपली यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा उसके लिए। यहां तक समझ में आया, इसके बाद ये दो तीन थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इन्हें खुद पढ़ लेना, इनका मैं एसेंस बता देता हूँ क्या है। देखो, सॉइल प्रॉपर्टीज गवर्निंग चॉइस ऑफ द फाउंडेशन टाइप। अब फाउंडेशन कितने तरह की होती है, फाउंडेशन दो तरह की होती है, शैलो और डीप। ठीक है, शैलो और डीप फाउंडेशन, इस पे एक यूनिट है, यूनिट नंबर 11 पूरी इसी पे है, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ,
चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है? बिल्कुल हाँ, तो याद रखना, वही रिवाइज करके आना, उन्हें 80% ऑफ सिलेबस इसका उसी में से, बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो समझाऊंगा, ठीक है? तो उसकी जो डेप्थ है कि हमें सैलो डिजाइन करनी है या डीप डिजाइन डिजाइन करनी है, वो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे ही डिपेंड करती है, उसी के हिसाब से कि कहाँ लोडिंग कंडीशन कितनी आ रही है, कहाँ लोड कितना लग रहा है, वो हम डिजाइन कर देते हैं, ठीक है? तो यही चीज बताई है। अब क्या है, अब मान के चलो कहीं हमें रिक्वायर्ड बियरिंग कैपेसिटी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे हम, इम्प्रूव करेंगे, क्या इम्प्रूव करेंगे उसकी बियरिंग कैपेसिटी को, ठीक है? अब उसकी बियरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के तरीके क्या क्या है, ठीक है? एक है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, देखो एक कंसेप्ट याद रखना, यही जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स को फिल करते हैं फाइन, फाइन को फिल करती है सीमेंट, ठीक है? इस हिसाब से होता है। तो बेसिकली इससे होता क्या है, वॉइड्स रिमूवल। वॉइड किससे रिप्लेस होता जाता है धीरे धीरे, सॉलिड से। इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ कम्स आउट टू भी मैक्सिमम, मतलब कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है। तो यही मैकेनिकल में करते हैं। मान के चलो कहीं सॉयल है, उसमें कोर्स ग्रेन ही प्रेजेंट है, तो उस केमिकली हम कोई साइज के पार्टिकल्स को मिला देंगे। कौन से साइज को के पार्टिकल्स को मिलाएंगे, उस साइज के पार्टिकल्स को मिलाएंगे जो उन वॉइड्स को फिल कर दे, जो उन वॉइड्स को फिल कर दे, ठीक है? दूसरा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन हम पूरा पढ़ चुके हैं। एडिशन ऑफ एडमिक्सचर। एडमिक्सचर में क्या क्या यूज कर सकते हैं, सीमेंट, लाइम, फ्लाई ऐश, ठीक है? इन सबको मिला देंगे। फंक्शन सेम है, कंसेप्ट समझ जाओ। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, वॉइड्स को फिल करना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर, सीधा सीधा फंडा समझ लो कि वॉइड्स को कम करना है हमें, है ना? जैसे ही तुम वॉइड्स को कम कर दोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग रीइन्फोर्समेंट इन द सॉइल। रीइन्फोर्समेंट क्या होता है, स्टील प्रोवाइड कर देना, ठीक है? अब ये जो रीइन्फोर्सिंग है, एक तो स्टील होती है और डिफरेंट होते हैं, जैसे आजकल पॉलिथीन भी दे देते हैं, ठीक है? पॉलिथीन अप्लाई कर देते हैं, फाइबर्स यूज कर लेते हैं, इंस्टीड ऑफ स्टील फाइबर्स यूज कर दे लेते हैं। इन सारे मेथड को, इंस्टीड ऑफ स्टील मतलब स्टील हटा दें, पॉलिथीन यूज करें, फाइबर्स यूज करें, फाइबर्स किस किस के, नायलॉन वगैरह के फाइबर्स यूज करें, इसको बोलते हैं जियो टेक्सटाइल। ठीक है, या फिर इसी को जियो सिंथेटिक भी बोलते हैं, जियो सिंथेटिक। ठीक है, इन मेथड से, इससे क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, अब इस चीज को पढ़ लेना। ये जियो सिंथेटिक के बारे में ही है कि जियो सिंथेटिक क्या क्या काम करता है। ये एक तरीके से लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टू इंप्रूव, टू इम्प्रूव वॉट, टू इम्प्रूव बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है? इसको पढ़ लेना, ये पूछी जाएगी। अब एक ये हो गया, एक और है यूज ऑफ ग्राउटिंग टेक्निक। ये मैं पढ़ा चुका हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले बताओ ग्राउटिंग क्या होता है। सर सीमेंट मोर्टार को फिल करना एक डेफिनेट प्रेशर में कोई भी होल पे। हाँ, मतलब सीमेंट मोर्टार हमने वहां पढ़ा था, किसी भी मटेरियल को फिल करना। अब जैसे यहाँ तुम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ोगे, सीमेंट है, जैसे लाइम है, केमिकल है, क्ले है, बिट्यूमेन है, पॉलीमर है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग प्रेशर,
ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके और इंसर्ट करना किसी भी प्लेस पे, जैसे सीमेंट है, सीमेंट में वॉइड, वो सीमेंट कह रहा हूँ, सॉइल है, सॉइल में वॉइड्स होंगे, तो वॉइड्स को, वॉइड्स की जो फिलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, बाय यूजिंग सीमेंट, बाय यूजिंग लाइम, बाय यूजिंग केमिकल ग्राउटिंग, बाय यूजिंग क्ले, बाय यूजिंग बिट्यूमन। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउटिंग। अब ये यूनिट तुम्हारी कंप्लीट हो गई है।